हाय फ्रेंड्स, आज है 25 मई 2021 और मैं अमित कश्यप स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल द हिमालय क्लासेज पर। आई होप यह क्लास आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पसंद आएगी और यदि आप किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आपकी उसमें निश्चित ही हेल्प करेगी। सो फ्रेंड, अगर आपने हमारी कल की क्लास नहीं देखी तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। सो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के किस अंतरिक्ष यान ने परीक्षण चरण में प्रवेश किया? ए ऑप्शन है बृहस्पति, बी ऑप्शन है मंगल, सी ऑप्शन है चंद्र, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। सो इसका राइट आंसर है ए, बृहस्पति इसका राइट आंसर है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के जुपिटर आईसीसी मून्स एक्सप्लोर ने यह सुनिश्चित करने के लिए परीक्षणों का एक महत्वपूर्ण क्रम शुरू किया है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी 20 देशों का एक समूह है जो अंतरिक्ष से जुड़ी सभी गतिविधियों में शामिल होता है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की, तो इसकी स्थापना 1975 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने एस्ट्रोजेनेगा के बाद फाइजर की खुराक सुरक्षित है बताया है? ए ऑप्शन है स्पेन, बी ऑप्शन है इंडोनेशिया, सी ऑप्शन है सऊदी अरब, डी ऑप्शन में से कोई नहीं। सो इसका राइट आंसर है स्पेनिश का राइट आंसर है। कोविड 19 टीकों के मिश्रण पर एक स्पेनिश अध्ययन में पाया गया है कि जिन लोगों को एस्ट्रोजेनेगा टीके के फर्स्ट डोज ले चुके हैं उन्हें फाइजर की एक डोज लेना बेहद आवश्यक है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स स्पेन की, तो स्पेन की जो कैपिटल है मैड्रिड है और करेंसी है यूरो और जो यहाँ के प्रधानमंत्री है पेड्रो सैंचेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने ऑडियो विजुअल गाइड ऐप लॉन्च किया है? ए ऑप्शन है NGMA, बी ऑप्शन है HRD, सी ऑप्शन है नीति आयोग, डी ऑप्शन में से कोई नहीं। सो इसका राइट आंसर है NGMA, इसका राइट आंसर है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स NGMA की, तो इसकी फुल फॉर्म है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट है। NGMA ने अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस पर एक ऑडियो विजुअल गाइड ऐप लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस कंपनी ने AI मॉडल लैम्डा का अनावरण किया है? ए ऑप्शन है ट्विटर, बी ऑप्शन है गूगल, सी ऑप्शन है फेसबुक, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। सो इसका राइट आंसर है गूगल, इसका राइट आंसर है। गूगल ने संवादी कृत्रिम बुद्धिमत्ता मॉडल विकसित करने में एक नई उपलब्धि हासिल की है LAMDA ऊर्जा, इसकी जो फुल फॉर्म होती है लैंग्वेज मॉडल फॉर डायलॉग एप्लीकेशन है। अब बात आइए फ्रेंड्स गूगल की, तो इसकी स्थापना 1998 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया में और इसके फाउंडर हैं लेरी पेज और सर्जी ब्रेन और इसके जो CEO हैं सुंदर पिचाई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा राज्य केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना में शामिल होगा? ए ऑप्शन है छत्तीसगढ़, बी ऑप्शन है तेलंगाना, सी ऑप्शन है मध्य प्रदेश, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। सो इसका राइट आंसर है तेलंगाना, इसका राइट आंसर है। तेलंगाना सरकार ने केंद्र की आयुष्मान भारत योजना के शामिल होने का फैसला किया है। भारत सरकार की आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का उद्देश्य देश में 50 करोड़ लोगों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना है। अब बात आइए फ्रेंड्स तेलंगाना की, तो तेलंगाना की जो कैपिटल है वो हैदराबाद है और मुख्यमंत्री है केन चंद्रशेखर राव और गवर्नर है तमिलसाई सौंदर्य राजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा राज्य GST की प्रतिपूर्ति करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? ए ऑप्शन है पंजाब, बी ऑप्शन है हरियाणा, सी ऑप्शन है महाराष्ट्र, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। सो इसका राइट आंसर है हरियाणा, इसका राइट आंसर है। हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया है जिसने GST की प्रतिपूर्ति किया है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स GST की, तो GST की जो फुल फॉर्म होती है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होती है और इसकी स्थापना 1 जुलाई 2017 को की गई थी और इसके जो सदस्य हैं 33 इसके सदस्य हैं। GST के जो अध्यक्ष हैं निर्मला सीतारमण ने GST सबसे पहले फ्रांस देश में 1954 में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चार्ल्स ग्रेडिंग का निधन हो गया है वह किससे संबंधित है? ए ऑप्शन है राजनीतिज्ञ, बी ऑप्शन है वैज्ञानिक, सी ऑप्शन है अभिनेता, डी ऑप्शन में से कोई नहीं। सो इसका राइट आंसर है अभिनेता, इसका राइट आंसर है। चार्ल्स ग्रेडिंग एक अमेरिकी अभिनेता थे, इन्होंने मिडनाइट, बीथोवेन जैसी फिल्मों में अभिनय किया है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स अमेरिका की, तो अमेरिका की जो कैपिटल है वाशिंगटन DC है और राष्ट्रपति है जो बाइडन
और इनकी एक बुक है प्रोमिस मी डैड जो कि इम्पोर्टेंट है, और अमेरिका की उपराष्ट्रपति है कमला हैरिस, इनकी भी एक बुक है सुपर हीरो आर वेयर जर्नी जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा भारत और अमेरिका के बीच कुछ युद्ध अभ्यास होते हैं जैसे युद्ध अभ्यास, वज्र प्रहार, कोप इंडिया, टाइगर ट्रंप। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में लीसेस्टर सिटी ने कौन सी बार एफए कप जीता है? ए ऑप्शन है पहली बार, बी ऑप्शन है दूसरी बार, सी ऑप्शन है तीसरी बार, डी ऑप्शन में से कोई नहीं। सो इसका राइट आंसर है पहली बार, इसका राइट आंसर है। लीसेस्टर सिटी ने वेम्बली में फाइनल में चेल्सी को 1-0 से हराकर यह खिताब अपने नाम किया है। इतिहास में यह पहली बार एफए कप जीता गया है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स इंग्लैंड की, तो इंग्लैंड की जो कैपिटल है लंदन है और करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग, और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन है। इसके अलावा भारत और इंग्लैंड के बीच कुछ युद्ध अभ्यास होते हैं जैसे अजय वॉरियर, एमरेल्ड मर्करी और हिमालय वॉरियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसको बैंक ऑफ इंडिया के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? ए ऑप्शन है राघव श्रीवास्तव, बी ऑप्शन है विजेंद्र सिंह, सी ऑप्शन है वंदिता कौल, डी ऑप्शन में से कोई नहीं। सो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, वंदिता कौल इसका राइट आंसर है। वित्त मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव वंदिता कौल को बैंक ऑफ इंडिया के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। बात करते हैं बैंक ऑफ इंडिया की, तो इसकी स्थापना 7 सितंबर 1906 को की गई थी और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके CEO हैं अतुल कुमार दास। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शहर में भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र खोला जाएगा? ए ऑप्शन है दिल्ली, बी ऑप्शन है बेंगलोर, सी ऑप्शन है पुणे, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। सो इसका राइट आंसर है पुणे, इसका राइट आंसर है। महाराष्ट्र चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर ने पुणे में भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र शुरू करने के लिए नाबार्ड के साथ मिलकर यह कार्य किया है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स नाबार्ड की, तो इसकी फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, और इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई थी और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके अध्यक्ष हैं आर चितला। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया में सबसे ज़्यादा भुगतान पाने वाले एथलीट कौन बने हैं? ए ऑप्शन है मैकग्रेगर, बी ऑप्शन है राफेल नडाल, सी ऑप्शन है सूर्य सक्सेना, डी ऑप्शन में से कोई नहीं। सो इसका राइट आंसर है ए मैकग्रेगर, इसका राइट आंसर है। मैकग्रेगर आयरलैंड के हैं और आयरलैंड की जो राजधानी है डबलिन है और करेंसी है यूरो और यहाँ के जो राष्ट्रपति है माइकल डी हिंगिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस IIT ने ऑक्सीजन के पुनः उपयोग के लिए प्रोटोटाइप डिजाइन किया है? ए ऑप्शन है IIT रुड़की, बी ऑप्शन है IIT बॉम्बे, सी ऑप्शन है IIT दिल्ली, डी ऑप्शन में से कोई नहीं। सो इसका राइट आंसर है IIT बॉम्बे, इसका राइट आंसर है। IIT बॉम्बे के पूर्व छात्रों और शोधकर्ताओं की एक टीम ने सांस लेने वाला एक उपकरण बनाया है जो कि ऑक्सीजन की बर्बादी को कम कर देगा। यह उपकरण COVID-19 रोगियों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। अब बात करते हैं फ्रेंड्स IIT की, तो भारत देश में टोटल IIT 23 हैं और सबसे पहली IIT भारत में खड़गपुर थी जिसकी स्थापना 18 अगस्त 1951 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने घोषणा की है कि COVID-19 से मरने वाले कर्मचारियों के परिवारों को 5 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी? ए ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, बी ऑप्शन है मध्य प्रदेश, सी ऑप्शन है महाराष्ट्र, डी ऑप्शन में से कोई नहीं। सो इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश, इसका राइट आंसर है। मध्य प्रदेश सरकार ने COVID-19 से मरने वाले अपने कर्मचारियों को 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है। यह योजना 30 मार्च 2021 से 31 जुलाई 2021 तक लागू है। इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार ने यह भी घोषणा की है कि जो राज्य के कर्मचारी COVID-19 ड्यूटी पर एक्सपायर हो चुके हैं उनके परिजनों को सरकारी नौकरी देगी। अब बात आइए फ्रेंड्स मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की जो राजधानी है भोपाल है और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने ताज़ी सब्जियों की होम डिलीवरी के लिए
मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ए ऑप्शन है मणिपुर, बी ऑप्शन है मेघालय, सी ऑप्शन है असम, डी ऑप्शन में से कोई नहीं। सो इसका राइट आंसर है मणिपुर, इसका राइट आंसर है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने ताज़ी सब्जियों की होम डिलीवरी के लिए एक स्मार्ट एप्लीकेशन लॉन्च की है। इस एप्लीकेशन का नाम मोमा मार्केट मोबाइल एप्लीकेशन है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स मणिपुर की, तो मणिपुर की जो राजधानी इम्फाल है और मुख्यमंत्री है एन बीरेन सिंह और गवर्नर है नजमा हेमतुल्ला। और कल का क्वेश्चन था हाल ही में रेलवे ने कितने स्टेशनों पर वाईफाई सेवा शुरू की है। इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन 6000, इसका राइट आंसर है। और फ्रेंड्स आज का क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य ने घोषणा की है कि कोविड 19 पर जान गंवाने वाले कर्मचारियों के परिजनों को नौकरी दी जाएगी। ए ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन है दिल्ली, सी ऑप्शन है मध्य प्रदेश, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। सो इसका जो राइट आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और यह थी आज की क्लास, अगर यह क्लास आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमारे चैनल की सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।